करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि कोविड-19 के चलते लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है। यह चरण आज यानी 18 मई से 31 मई तक चलेगा। इस दौरान लॉकडाउन की पालना करने के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि कोविड-19 के चौथे चरण में करनाल जिला में सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक जरूरी वस्तुओं को छोड़कर लॉकडाउन जारी रहेगा और सभी प्रकार के आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि 65 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति, 10 साल तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और क्रोनिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के खुले में घूमने पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। इन व्यक्तियों को केवल स्वास्थ्य इमरजेंसी और मूलभूत जरूरतों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति रहेगी। उन्होंने कहा कि एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने आदेशों में यह भी कहा है कि कोविड-19 के चौथे चरण में चेहरे पर मास्क लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार सार्वजनिक स्थानों और यातायात के इंचार्जों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। उक्त आदेशों की पालना करने के लिए जिले में कार्यकारी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है, जो कि स्थानीय पुलिस के सहयोग से आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। जो भी इन आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं डीसी ने बताया कि इंद्री हल्के के गांव चुगामा में कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। यह कोरोना पॉजिटिव केस 23 वर्षीय एक लड़की है, जो कि गत दिवस एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव आया था। यह लड़की उसी की बेटी है जो उसके साथ रहती थी। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 18 मई 2020 के संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जैसा आपको मालूम है, भारत सरकार ने लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है और लॉकडाउन 4 की जो डेट्स हैं वो कल होम मिनिस्ट्री ने जारी कर दी थी। जो लॉकडाउन 4 है वो 18 मई से लेकर के और 31 मई तक लागू रहेगा। जिला प्रशासन ने इस दौरान कुछ तैयारियां की हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि जो अब तक की व्यवस्था बनी हुई थी वो चालू रहेगी, जारी रहेगी। बस एक इसमें परिवर्तन है, जो दुकानों का और मार्केट का खुलने का समय है वो 9 बजे से 5 बजे तक कर दिया गया है। साथ ही जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और स्टेडियम्स हैं उनको भी अब खुले रखने का निर्णय लिया गया है, लेकिन उनमें स्पेक्टेटर्स यानी दर्शक अलाउ नहीं होंगे, सिर्फ खिलाड़ी ही परमिटेड होंगे। जहां तक कोरोना की बात आती है तो मैं लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि करनाल में आज एक और पॉजिटिव कोरोना का केस आया है। जो इंद्री के चौगावा गांव में एक इंडिविजुअल पॉजिटिव आया था, उसकी डॉटर का केस पॉजिटिव आया है। उसको हमने कल्पना चाला में भर्ती करा दिया है, इलाज की प्रक्रिया जारी है। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह रहेगा कि जो 3 महत्वपूर्ण शर्तें हैं, एक तो सब लोग मास्क पहने, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहन करके निकलें, चाहे मार्केट में जा रहे हो या जहाँ पे भी जा रहे हो। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और तीसरा, समय समय पर हैंड सैनिटाइज करते रहें। इन चीज़ों का अगर पालन करेंगे तो हम कोरोना से बचे रहेंगे। हमने धारा 144 भी जिले में लगा दी है और अब रात को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक 12 घंटे के लिए पूरे जिले में पूर्ण रूप से कर्फ्यू रहेगा। किसी को भी इसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर के किसी को भी मूवमेंट करने की इजाज़त नहीं रहेगी। साथ में अगर कोई बिना मास्क के पब्लिक प्लेसेस पे पाया जाता है, घर से बाहर निकलता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और चालान किया जाएगा। कोई भी इंडिविजुअल अगर सोशल डिस्टेंसिंग के वायलेशन करता हुआ पाया जाता है या पब्लिक प्लेस पे बिना दूरी बनाए रखते हुए बैठा हुआ या खड़ा हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पे हैंड सैनिटाइज करते रहें। रात को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक 12 घंटे का जो कर्फ्यू है उसका पालन करें और उसका वायलेशन बिल्कुल ना करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.